1952 में जब इंडियन गवर्नमेंट ने फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया, गवर्नमेंट ने इंडिया के सारे स्टेट्स को इंडस्ट्रियलाइज करने की पूरी पूरी इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने कहा, इंडस्ट्रीज आप लगाओ, रॉ मटेरियल्स और ट्रांसपोर्टेशन पर सब्सिडीज हम देंगे। इसकी वजह से बिहार पर इम्पैक्ट वो ये पड़ा कि रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स की वजह से जो थोड़ा बहुत रेवेन्यू वो जनरेट कर पा रहे थे अपने डिसाइडेड कॉस्ट पर, वो भी हाथ से चला गया। हालांकि कभी यूनियन गवर्नमेंट ने इस बात को एडमिट पूरी तरीके से नहीं किया कि बिहार की जो हालत आज है उसके पीछे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का भी हाथ है, लेकिन एक बार हमारे प्रेसिडेंट श्री प्रणब मुखर्जी ने यह एडमिट किया कि फ्राइट इक्वलाइजेशन पॉलिसी जो है वो कहीं ना कहीं बिहार के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार है। और अब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और राइज ऑफ क्राइम। जब ग्रोथ हो ही नहीं रहा था और जाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रीज लगी ही नहीं थी तो रेवेन्यू जनरेट हो ही नहीं पाएगा, तो सरकार के पास इतने पैसे थे ही नहीं कि वो इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट कर सके। और 1990 में जब बिहार के सीएम लालू यादव बने तो उस पूरे टेनियर में बिहार ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट देखा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि जितने पैसे आते थे, अब जाहिर सी बात है सरकार तो फंड करती थी, ऐसा नहीं है कि फंड कर ही नहीं रही थी, कुछ ना कुछ तो फंड करती थी, तो करप्शन और किसी चारे घोटाले में गायब। अब क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ब्यूरोक्रेसी और जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनकी यूटिलाइजेशन, उनपे इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया गया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो सोशल प्रॉब्लम्स थी वो और भी ज्यादा बढ़ने लगे बिहार में, और इसका जो रिजल्ट था वो ये था, करप्शन और क्राइम। आज हम जिस बिहार को क्राइम के नाम से जानते हैं जो बहुत ही पॉपुलर था एक समय पे, वो उसी समय और उन गलतियों की वजह से शुरू हुआ था। पहले तो बिहार सिर्फ गरीब था लेकिन अब खतरनाक भी। एक टाइम पर बिहार एशिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब था, जहां पर दुनिया की एक जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी नालंदा, वो बिहार में सिचुएटेड थी। लेकिन अब बिहार का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 66% है, अगर नेशनल लिटरेसी रेट को देखा जाए तो उससे भी काफी कम। अगर आप इस ग्राफ का डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो लिटरेसी रेट का डिफरेंस है नेशनल और बिहार स्टेट के बीच का, वो 1950 से 2001 के बीच का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो वो 4 गुना बढ़ गया है, जबकि उसे कम होना चाहिए था। ये डेटा देखने के बाद शायद आप ये अंदाजा लगा पाओगे, अब इस सेक्टर में बिहार स्टेट में कभी इन्वेस्टमेंट हुआ ही नहीं। जब भी या तो हो सकता है फंड आए तो अपनी कुर्सी बचाने में, किसी घोटाले में, या फिर किसी और सेक्टर में लगा दिया गया, लेकिन एजुकेशन सेक्टर को उतना फंड नहीं किया गया। और ये कारण है कि बिहार कभी स्किल्ड लेबर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाया, और इंडस्ट्रीज के ना होने की वजह से अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये एक और कारण बन गया लोगों को बिहार से बाहर जाने के मजबूर करने वाला। बिहार की जो पॉपुलेशन है वो आज इतनी ज्यादा बढ़ गई है जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। बिहार में इतने बड़े नंबर पर अनस्किल्ड लेबर्स हैं, दैट इज अगेन जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन। और इसी के साथ कास्ट सिस्टम भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है बिहार में, अभी से नहीं बहुत पहले से ही, क्योंकि वहां पर मेजरली जो पॉलिटिक्स होती है वो कास्ट बेस्ड होती है। अब इतना होने के बावजूद भी येट देयर इज स्टिल होप। 2001 के बाद से मेजरली बिहार में जो सरकार रही है वो नीतीश कुमार की सरकार रही है, और इस टेनियर में उनके कहीं ना कहीं बिहार ने एक ग्रोथ देखी है, एक डेवलपमेंट देखी है। बिहार में शराब बंद है लेकिन प्रोग्रेस जारी है, कई सारे सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है और ऑलरेडी काम कर चुकी है सरकार, काफी हद तक जो चीजें हैं वो इम्प्रूव होने लगी है, लेकिन हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अभी उसको एक नॉर्मेलिटी तक आने में एक लंबा वक्त लग सकता है। ये तो देख लिया कि आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बिहार में जिनकी वजह से बिहार की जो सिचुएशन है वो आज तक इम्प्रूव नहीं हो पाई है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि हमें नए लैंड रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे और कोशिश करना पड़ेगा कि उन लैंड्स को रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए फिर से। दूसरा, एजुकेशन और ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट किया जाए ताकि लिटरेसी रेट बढ़ सके और लोग समझदार हो सके। क्राइम के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज को लाना पड़ेगा, ताकि अभी तो क्राइम बहुत ज्यादा कम हो गया है बिहार में लेकिन अभी भी है, जिसकी वजह से हमें और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ताकि क्राइम रेट को और ज्यादा घटाया जा सके, जो एक और कारण है जिसकी वजह से बिहार में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट नहीं होते। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रमोट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। खैर,
तो ये रहा पूरा मिला जुला के वीडियो, और कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और भी आप अपने तरीके से सॉल्यूशंस बता सकते हो कि और क्या बिहार में किया जा सकता है जिसकी वजह से बिहार की हालत जो है वो और इम्प्रूव हो सके। अगर इस तरीके के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप लोगों को क्या लगता है कि 2030 तक बिहार जो है वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेट बन पाएगा इकोनॉमिकली और सोशियो पॉलिटिकली। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।